इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। जाने एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्मानित पेंशन कैसे प्राप्त करें। यह आकलन एक निम्न से मध्य वर्ग के लिए है। अपने लाइफस्टाइल एवं आय के अनुसार इसके आधार पर गणना किया जा सकता है। अगर वर्तमान में व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पर्याप्त है, तो मुद्रास्फीति के कारण अगले 20 से 30 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति के बाद के अच्छे जीवन के लिए उतनी ही राशि पर्याप्त नहीं होगी। औसत वार्षिक मुद्रास्फीति अगर 6% मानते हैं, तो व्यक्ति को उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए 20 साल बाद 1,60,000 रुपये प्रति माह से अधिक की आवश्यकता होगी, जिसे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अभी केवल 50,000 रुपये प्रति माह में बनाए रख सकता है। 25 वर्षों के बाद उसे समान जीवन स्तर के लिए 2,10,000 रुपये से अधिक और 30 वर्षों के बाद 2,85,000 रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी। मुद्रास्फीति के कारण यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा जीवनयापन की लागत बढ़ती रहेगी। इसलिए अपने करियर की शुरुआत से ही एक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से उचित सेवानिवृत्ति योजना पर काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना हमेशा बेहतर होता है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आपकी सेवानिवृत्ति निधि या पेंशन संपत्ति उतनी ही बड़ी हो जाएगी। अपने पेंशन लक्ष्यों में निवेश शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति योजना के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है। आधिकारिक एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर एनपीएस कैलकुलेटर से पता चलता है कि अगर 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करके इसे 60 साल तक जारी रखते हैं, तो एनपीएस टीयर 1 खाते में 5,000 रुपये प्रति माह के योगदान से वर्तमान में आपके निवेश पर अपेक्षित रिटर्न 10% है। यदि अपेक्षित रिटर्न 8% तक गिर जाता है, तो आप कैलकुलेटर के अनुसार मासिक पेंशन के रूप में 57,000 रुपये से अधिक प्राप्त कर सकेंगे। इस गणना के अनुसार 2,85,000 रुपये के लक्ष्य के लिए 25,000 रुपये प्रति माह का निवेश करना होगा। वर्तमान के समय में 5,000 रुपये के मुकाबले 25,000 रुपये अधिक लग सकता है, परंतु प्रति वर्ष आय की बढ़त भी होगी और बढ़त के अनुसार निवेश बढ़ाते रहे तो लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। यह आकलन एक निम्न से मध्य वर्ग के लिए है। अपने लाइफस्टाइल एवं आय के अनुसार इसके आधार पर गणना किया जा सकता है। एनपीएस नियमों के अनुसार एक ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय अपनी संचित पेंशन संपत्ति का 100% तक वार्षिकी खरीद सकता है। नोट, यह केवल सूचना के प्रयोजनों के लिए है। उपरोक्त गणना और आंकड़ों केवल सांकेतिक है और वास्तविक आधार पर नहीं। एनपीएस के तहत निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया अपना अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक पेशेवर सेवानिवृत्ति सलाहकार से परामर्श लें। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।